हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं अल्फिज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सड़क टू के बारे में। देखिए, बॉलीवुड में पहले तो नेपोटिज्म की बातें हुई, आउटसाइडर्स की बातें हुई, इनसाइडर्स की बातें हुई, फिर बॉलीवुड यहीं तक नहीं रुका, बॉलीवुड में और भी काफ़ी अनेक चर्चाएँ हुई। फिर एक हमें पता चला कि सुशांत सिंह के जो जीजाजी हैं, उन्होंने एक ऐप बनाई है नेपो मीटर करके, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से ऐसी मूवीज़ हैं जहाँ पे नेपोटिज्म यानी कि सेलिब्रिटीज़ के बच्चे ज़्यादा हैं। तो उसी में से एक मूवी है सड़क। सड़क टू की अगर हम बात करें तो इसमें 98% इसका रेटिंग मिली है नेपोटिज्म ऐप में, नेपो मीटर ऐप में। साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है, और ये कंट्रोवर्सी छोटी मोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी होने वाली है, काफ़ी बड़ी जाने वाली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, ये हुई है रिलीजन को लेकर के और रिलीजियस एक्टिविटी को लेकर के। अब नेपोमीटर के बाद जो सड़क टू के लिए एक और कंट्रोवर्सी है, वो है इसके पोस्टर को लेकर के, इसकी इमेज को लेकर के। अब इसके पोस्टर में जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको कैलाश मानसरोवर एक माउंटेन दिखाई दे रहा है, जो कि कहा जा रहा है कैलाश मानसरोवर का माउंटेन है, और इसी को लेकर के इसके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट करी है। इनके जो एडवोकेट है वो है सोनू कुमार। अब कौन कौन से तहत सेक्शन के तहत इन्होंने कंप्लेंट करवाई है, वो है IPC 295A और 120B। तो ये रिलीजियस बेसिस के ऊपर है, और कहा जा रहा है कि इसमें जो इमेज दिखाई गई है माउंटेन की, वो है कैलाश मानसरोवर का माउंटेन, और ये रिलीजियस हिंदू रिलीजन को आहत पहुंचा रहा है। तो इसके ऊपर इन्होंने ये कंप्लेंट दर्ज कराई है मुजफ्फरपुर बिहार में। अब देखिए, काफ़ी कंप्लेंट हो रही है, पहले भी काफ़ी कंप्लेंट हो चुकी है नेपोटिज्म को लेकर के, अब सड़क टू भी इसके घेरे में आ चुकी है। अब यहाँ पे देखना यह है कि आलिया भट्ट और उनके जो महेश भट्ट है, साथ साथ जो इसके डायरेक्टर है, उनकी तरफ से क्या रिस्पांस देखने को मिलता है और वो क्या कहते हैं, वो देखना बाकी है। तरह से लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ। और हाँ, इसी तरह से मैं रिव्यूज भी लाने वाला हूँ न्यू न्यू मूवीज़ के। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।